इतिहास के पन्ने में अगर लिखा जाएगा कोरोना वायरस का ये 40 दिन, तो इतिहास के पन्ने में फिर से कहीं ना कहीं पर दर्ज हो जाएगा, क्योंकि कोरोना की ये महामारी जिस प्रकार से अभी 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, 21 दिन के लॉकडाउन के बाद अब 19 दिन का लॉकडाउन फिर से घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि 20 तारीख को फिर से संशोधन बनाया गया है कि जिस ज़िले जिस संभाग में अगर कोरोना के कोई पॉजिटिव नहीं है तो उसमें कुछ ढील दी जाएगी। फिलहाल ये तो देखने का विषय होगा कि कितनी ढील दी जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बार और आपको ये बता दूं कि आज कोरोना के 21 दिन पूरे लॉकडाउन होने के बाद में आज खुलने के चांसेस थे कि खुल जाएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 दिन का लॉकडाउन फिर से लागू कर दिया गया। हम इस समय पर सीधी ज़िले के चौरहट विधानसभा में चौरहट चौराहे पर खड़े हुए हैं, इसको ये चौरहट कहेंगे, ये चौरहट चौराहा है चौरहट विधानसभा का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सारी महिलाएं जो हैं वो लाइन लगाकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये कोएक्स बैंक है जहाँ पर अपनी पेंशन लेने के लिए अपनी राशि लेने के लिए लोग आए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जो है कहीं ना कहीं पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाया गया है काफ़ी दूर, और मुंह में गमछा या दुपट्टा जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया था, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप गमछा से या फिर मुंह से अपने को ढक सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी खड़ी हुई हैं, ड्यूटी में तैनात हैं इस भरी धूप में, जिसको मैं कहूँगा कि कोरोना योद्धा। तो कोरोना योद्धा मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि कोरोना योद्धा, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर अगर कोई लड़ रहे हैं तो ये पुलिस जवान ही हैं जो पूरे स्तर पर लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये महिलाएं काफ़ी देर से बैठी होंगी, पूछ सकता हूं मैं आप कब से बैठी हैं यहां पर? 9 बजे से। सुबेरे 9 बजे से जी। पैसा निकालने के लिए आई हैं जी। क्या हो सकता है, अनपढ़ी अब बच्चे का खाना पीना हर चीज़ लगता है, कुछ भी नहीं है घर में। तो क्या खाना पीना कोई व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा या शासन द्वारा आप लोग को नहीं पहुँचाई जा रही? अभी नहीं मिला है, बोल रहे हैं कि मिलेगा, अभी नहीं आया है गाँव में। हाँ मैंने खाद्यान्न के आपका कोटा में बना हुआ है नाम है कोटा जी। हाँ तो कोटे से तो मिला होगा? अबे नहीं मिला है, आ गया है, आ गया मिलेगा। तो चौराहट विधानसभा में ये है कि इन लोग का खाद्यान्न आया है और मिला नहीं है, इनका कहना ये है। आप कब से बैठे हैं यहाँ पर? 9 बजे। सुबह 9 बजे से जी। टोकन वगैरह मिला है कुछ आप लोगों को? जी जी टोकन मिला हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं पर टोकन वगैरह मिला सभी 9 बजे से। आप कैमरे से दिखाऊंगा कि महिला की लंबी लाइन दिखा सकते हैं, मेरे कैमरे में देख सकते हैं लंबी लाइन लगी हुई यहाँ से लेकर और वहाँ तक, और बैंकों में जिस तरीके से वितरण करने के लिए अपने बैंकों से पैसे निकालने के रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी के सामान होते हैं वो निकालने के लिए यहाँ पर एक सीढ़ी बनी हुई है, इस सीढ़ी के द्वारा जो है ऊपर जाया जाता है। और काफ़ी लोग भी यहाँ पर हैं जो अलग से लाइन लगाए हुए हैं, जेंट्स की मेरे ख्याल से अलग से लाइन है, जो भी है पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। यहाँ पर जो महिला पुलिस है मैं उनसे पूछना चाहूँगा या बात कराना कोशिश करूँगा कि वो कुछ बता पाएँ कि अभी लॉकडाउन जो बढ़ा हुआ है उसमें क्या नई कोई गाइडलाइंस बनाई गई है, या फिर महिलाओं के लिए जिस प्रकार से मान लीजिए साबुन सैनिटाइज़र होना चाहिए या पीने के लिए होना चाहिए, तो क्या व्यवस्था है? मैडम आपका शुभ नाम? आकांक्षा सिंह वगैरह। आप यहाँ कब से खड़ी हैं? यही जब से ड्यूटी लगी, जब से ये खुल जाता है बैंक। तो आप इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और क्या पानी वानी पीने की व्यवस्था कुछ हुई है? हाँ पानी वानी है। और ये महिलाओं के लिए कुछ? महिलाओं के लिए भी है, मंगा दिया जाता है जिसको प्यास लगती है, बाकी सब लोग क्या आते हैं। देखिए साफ तौर पर यह है कि प्यास अगर लगती है, आवश्यकता पड़ती है, तो पुलिस अगर सहयोग मांगी जाएगी तो सहयोग दिया जाएगा। एक नज़ारा मैं आपको गली का दिखाता हूँ, यहाँ पर भी लगता है कोई बैंक है या फिर जो भी है। चलिए हम अंदर जाके नज़ारा देखते हैं कि क्या है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।